हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड कुलदीप। एंड आज मैं एक नई ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड दिस ट्यूटोरियल सीरीज वुड बी अबाउट मेवन। आई थिंक आप सब लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा मेवन के बारे में, बट मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि नहीं सुना है। और मैं उसके लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, तो आई डू फ्रॉम बिगिनिंग लाइक फ्रॉम स्क्रैच। एंड आशा करता हूँ कि लोगों को समझ में भी आएगा। तो मेवन एक्चुअली है क्या? मेवन एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लाइक आप जावा का ही सोच लीजिए, ठीक है? तो जावा में आप एक क्लास होती है आपकी, फिर वो क्लास दूसरे से रिलेटेड होती है, और बहुत सारी क्लासेस मतलब आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। साथ में होता क्या है कि कई सारे आप पैकेजेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सब हमें एक्सटर्नली हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, उनको फिर इंपोर्ट करना पड़ता है, और कई बार मतलब आप क्या कहते हैं, हमें उनका पाथ भी देना पड़ जाता है। तो ये सब एक्चुअली प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारा मेवन है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, बिल्ड और रिपोर्टिंग, ये सब हैंडल करता है। लाइक अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पर अगर काम करना शुरू करें, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, ठीक है? तो ये सब आपको काम अलग अलग से करने पड़ते हैं। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो काफ़ी लोग की रिक्वायरमेंट भी होती है, थोड़ा टैली टास्क भी होता है। बट विद द हेल्प ऑफ मेवन होता क्या है कि ये सब काम काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है? और जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो अगर आपने अच्छी खासी अगर प्रोग्रामिंग करी हुई है, या फिर अच्छी खासी भी नहीं, अगर आपने छोटा सा भी लाइक आपने किसी क्या कहते हैं किसी जार फाइल को अगर आपने लाइब्रेरीज में ऐड करा हो, रिक्वायरमेंट आई हो, जैसे कि मे बी काफ़ी लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क करा हुआ होगा, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जैसे कि ये सामने जो कोड है ये भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही कोड है, ठीक है? तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर आप एक्लिप्स में मैंने किया हुआ है, मैंने किसी और पे नहीं करा है। तो अगर आपको कोई एक नॉर्मल आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, तो उसकी आपको एक जीआरई जो आपकी लाइब्रेरीज हैं वो तो आती ही है, बट आपको स्प्रिंग के जो मतलब जार फाइल से वो भी चाहिए होती हैं। तो वो जार फाइल आप लाइब्रेरीज अपनी यूज़र लाइब्रेरी अलग से बना सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी ओपनली ऐड करना चाहिए, तो आपको हम उसका पाथ देना पड़ता है एक्लिप्स में भी, बिल्ड पाथ में जाकर, जैसे कि हम करते हैं जनरली। तो ये सब काम मान लीजिए अगर आपका वो वाली पैकेज जो है मतलब या वो वाला जो जार फाइल है वो किसी और पे डिपेंड करती है, और आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, उस तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ जार फाइल्स आपको चाहिए, तो आप सबको अलग से उनका पाथ सेट करना, ये सब बहुत एक टायरी टास्क हो जाता है। मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जिनमें हज़ार आपको डिपेंडेंसीज आपकी आ जाती हैं। डिपेंडेंसी एक्चुअली यही जार फाइल्स आपको ज़रूरत करनी पड़ जाती हैं, या फिर दूसरा कुछ आपको कंपोनेंट चाहिए जो अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, आप उसको लिंकिंग करते हैं। तो ये सब बहुत मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। और फिर आप उन सबको एक साथ उनका सही वर्जन मैच करना, और उन सबको आपस में इंटर रिलेटेड मतलब उनका सिंक में होना, और उसको बाद में टेस्ट करना, कंपाइल करना, वैलिडेट करना, रिपोर्टिंग, ये सब काफ़ी हैवी टास्क हो जाता है। तो इसी के लिए एक्चुअली ये टूल है मेवन, और इसके जैसे आंट भी होता है, मैंने यूज़ नहीं किया है बट मे बी शायद फ्यूचर में सीख लूँ। तो ये जो मेवन टूल है ये एक्चुअली इन सब चीज़ों को हैंडल करता है, जो जो मैंने अभी शुरू में चीज़ें बताई आपको, ये सब वैलिडेशन, कंपाइलेशन, पैकेजिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें करता है मेवन। और ये काफ़ी एफिशिएंट टूल है आपका बिल्ड क्रिएट करने के लिए, बिल्डिंग प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। बिल्ड एक्चुअली मीन्स होता है जो प्री रिलीज वर्जन होता है ना हमारा किसी सॉफ्टवेयर का, उसे हम एक्चुअली बिल्ड कहते हैं। मतलब वो वाला क्या कहते हैं फॉर्म किसी सॉफ्टवेयर की या फिर किसी एप्लीकेशन की
जिस पे हम टेस्टिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, मीन्स अगर आपने एक कंपोनेंट बनाया इधर, एक कंपोनेंट कहीं और बनाया, एक कंपोनेंट आपका कुछ और बनाया, तो वो है तो एक नहीं, बट जब वो एक एज अ वन प्रोजेक्ट काम करेगा तो आपको उन सबको लिंक करना पड़ेगा। तो उन सबको लिंकिंग के बाद आपको उसे कंपाइल करना पड़ेगा और पैकेज करना पड़ेगा। तो वो वाला पैकेज का वो वाला पॉइंट जो कि रिलीज के लिए तैयार है और उस पर टेस्टिंग करी जा सकती है, और ये कह सकते हैं आप वो एक प्रोटोटाइप एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल कहना चाहिए हमें, जिसे मतलब एक ऐसा फॉर्म एप्लीकेशन की मौजूद है जो कि कह सकते हो कि आप एक मिनी वर्जन है उस एप्लीकेशन का, हम उसे बिल्ड कहते हैं। और इसको कंपाइलेशन जो मैंने कहा और वैलिडेशन टेस्टिंग ये सब जो काम है पूरा डिप्लॉयमेंट वगैरह, इसको हम बिल्डिंग द प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसकी आपकी मेवन में एक बिल्ड लाइफ साइकिल भी होती है कि ये कैसे कैसे काम प्रोसीड करेगा। तो मेवन एक काफ़ी पावरफुल टूल है और आप इसको यूज़ मुझे लगता है अगर आपको अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज सब चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, और मेवन की खूबी ये है कि ये एक्लिप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेटेड है, एक्लिप्स को ऐसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो आपके लेटेस्ट वर्जन है एक्लिप्स के वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड मेवन प्लगइन्स उसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और वैसे मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप कमांड लाइन मेवन सीखें तो आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट उसका समझ में आएगा कि हर जो फेज़ है लाइफ साइकिल का वो कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और जो अपना एक्लिप्स में है, एक्लिप्स में तो उसका यूआई वेरिएंट दे ही रखा है, तो आपको मैं थोड़ा अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये मेरे जो ये सब मेवन के हेल्प से मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, माई ऐप 1, माई ऐप 2, तो ऐसे ही मतलब टेस्टिंग का आपका ये टेस्टिंग मेवन नाम से एक हमारा मतलब प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर सोर्स है, इसके अंदर हमारे एक मेन फोल्डर होता है जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जिसे मतलब जो भी हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है, टेस्टिंग फोल्डर होता है जिसमें मतलब सारी टेस्टिंग वगैरह होती है। इसमें एक्चुअली मेवन में जे यूनिट पहले से ही एक डिपेंडेंसी ऐड होती है जो कि टेस्टिंग में काम आती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइल होती है, इसे हम पॉम डॉट एक्स एम एल फाइल कहते हैं। एक्चुअली अगर आपने सर्वलेट्स वगैरह या फिर जेएसपी वगैरह में काम किया होगा तो आपने देखा होगा एक्सएमएल फाइल होती है। एक्सएमएल फाइल में ही मैक्सिमम उसका डेफिनेशन होती है कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी। जैसे सर्वलेट में भी फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्टर्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं कि वो फिल्टर एक्चुअली किस किस सर्वलेट पे एक्ट करेगा। अगर आप सब पे एक्ट कराना चाहते हैं उसको तो स्टार लगा देते हैं, अदरवाइज आप उसका नाम देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। इस फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्या नीडेड है, क्या प्लगइन्स आपको चाहिए। तो ये जो पॉम डॉट एक्स एम एल है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी मेवन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और आपको चलाने के लिए ये मैं थोड़ा अगले लेसन का पार्ट बता रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एस आर सी फोल्डर है और पॉम डॉट एक्स एम एल है। अगर आप अपने उसको कंपाइल करते हैं प्रोजेक्ट को तो आपका एक टारगेट फोल्डर आ जाता है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी तो हम बात अगले ट्यूटोरियल में करेंगे, अभी टाइम भी नहीं है, बट मैंने आपको बेसिक आइडिया देना चाहता था कि एक्चुअली मेवन है क्या। ठीक है, एम वी एन कंपाइल, ये एक वन ऑफ द फेज होता है जैसे मैंने आपको बताया बिल्ड लाइफ साइकिल का कंपाइल। तो ये एक्चुअली जो भी कुछ आपका रॉ मटेरियल है लाइक हमें कहना चाहिए सोर्स कोड, उसको कंपाइल कर देगा और एक आपका आपके टारगेट फोल्डर क्रिएट कर देगा। एम वी एन कंपाइल इसी कमांड है, एंटर, आप देख रहे होंगे स्कैन कर रहा है, सब कुछ काम हो रहा है यहाँ पे और बिल्ड सक्सेस आ गया है। जो मैंने कहा कि बिल्ड का मतलब जो है वो उस फॉर्म में आ जाना जो कि एक तरह से प्री रिलीज वर्जन हो, तो बिल्ड सक्सेस हुआ है। और ये आप देखेंगे टारगेट यहाँ पे ये आपका क्या कहते हैं क्लासेज मैंने जो भी बना रखी है ऐप डॉट क्लास, आपका कंपाइल होके क्लास फाइल यहाँ बन गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आशा करता हूँ कि ये वाली सीरीज भी मेरी अच्छी जाएगी। थैंक यू।